हाय दोस्तों, मैं एजाज के ब्लॉग मोतिहारी बिहार से अभी हूँ सऊदी के रियाद शहर में। तो कैसे हैं आप लोग, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे से होंगे। तो भाई आज फिर हंगर स्टेशन में शुरू कर दिया हूँ काम और रूम से निकल गया हूँ। आ गया हूँ मैं लेबन में 33 नंबर पे और यहीं पे मैकडोनल्ड के पास में मैं बैठा हूँ। देखता हूँ कि मेरा फर्स्ट ऑर्डर कब आता है और कितने देर में आता है भाई। तो भाई मैं आ गया हूँ 33 नंबर लेबन में और यहीं से काम का शुरुआत कर रहा हूँ। देखे ये मेरे पीछे मैकडोनल्ड है भाई। एक घंटे इंतज़ार करने के बाद भी अभी तक ऑर्डर नहीं आया। अब लगता है यहाँ से जगह चेंज करना पड़ेगा मुझे और निकलना पड़ेगा कहीं और के लिए। तो जाऊँगा मैं मलगम में, मलगम में ही जाने में फ़ायदा है भाई। इधर उधर भटकने से कोई फ़ायदा नहीं, तो कल के तरह ही पूरा टाइम मेरा वेस्ट हो जाएगा। और मैं निकल गया हूँ यहाँ से, ये देखें। मलगा में ये देखे मेरे पीछे तरीक अनस बिन मलिक है। और जैसे मलगा में मैं आया हूँ, मेरे पास हैंगर स्टेशन में ऑर्डर आ गया हुआ है। तो ये देखे, तो भाई रोड पार हो गया किसी तरह भी। और ये हमारा पीछे या सामने रेस्टोरेंट है, इसी में का ऑर्डर है भाई। ये ऐसे दरवाजा पीटना पड़ता है भाई। भाई हैंगर स्टेशन 364 भाई, इसीलिए मैं मलगा में ज़्यादा काम करता हूँ क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑर्डर रहता है। देखे जैसे मलगा में मैं आया हूँ, ऑर्डर आ गया मेरे पास हंगर स्टेशन। तो भाई ये देखे मैं रेस्टोरेंट से ऑर्डर ले लिया हूँ और मैं जा रहा हूँ पिकअप करने। अब ये देखे पिकअप करने के लिए ये एड फोटो पे टिक करेंगे और ये क्या बोलता है कि फ़ोटो लेंगे बैग और ऑर्डर का और यूज फोटो, ये कन्फर्म पिकअप। अब ये हो गया पिकअप। अब मुझे कस्टमर का लोकेशन दिखाएगा मुझे किधर जाना है। नज़दीक ही है भाई, कस्टमर कोई ज़्यादा दूर नहीं है, नज़दीक में ही है। ये देखें भाई कस्टमर ये नज़दीक में ही है, 2 किलोमीटर का रास्ता है मलगा से। मलगा में ही देना है मुझे और मलगा वाला तरीक अनस बिन मलिक पे चल रहा हूँ। लाइट और यहाँ पे अक्सर रोज दिन जाम। तो भाई मैं आ गया हूँ कस्टमर के लोकेशन पे और देखे ये मैं कस्टमर के लोकेशन पे आ गया हूँ और मैं यही कस्टमर का वो अपार्टमेंट है, ये देखें। और ये टच करेंगे इस पे और ये कॉल वाला बटन और ये कस्टमर का नंबर और ये कॉल करेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हंगर स्टेशन वसलताना बर्रा। طيب عمارة ال في كل 7 دور أول. عمارة ال ايوه في كل 7 دور أول. سيجا 7 دور أول. اوكي طيب. तो दोस्तों मैंने कस्टमर को ऑर्डर डिलीवर कर दिया, ये देखे कंफर्म ड्रॉप अप कर दिया और यहाँ पे एक बार और करना पड़ेगा। ये फाइनली ख़त्म हो गया, ऑर्डर डिलीवर हो गया। तो चलिए अब नेक्स्ट ऑर्डर देखते हैं कब आता है और चलते हैं फिर मलगा। दोस्तों जैसे ही ऑर्डर डिलीवर किया हूँ, दूसरा ऑर्डर भी मुझे मिल गया मलगा में। और ये देखे मेरा दूसरा ऑर्डर, जा रहा हूँ रेस्टोरेंट में ऑर्डर पिकअप करने के लिए। और ये देखे सामने मैं खड़ा हूँ, तो सामने मैं खड़ा हूँ, ले लिया हूँ फोटो से। और देखे ये फिर से पिकअप करने के लिए फ़ोटो लगाना पड़ता है और ये कुछ फ़ोटो कन्फर्म और पिकअप चलते हैं। फाइनली गाइज दूसरा ऑर्डर मैंने डिलीवर कर दिया, ये देखिए ये अब मैं कस्टमर को दे दिया हूँ और यहाँ पे ड्रॉप ऑफ और ये कंफर्म ड्रॉप, ये हो गया डिलीवर। तो चले यार चलते हैं फिर मलगा में अनस बिन मलिक रोड पे, फिर मैं आप लोगों को भी वहाँ से व्यू दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। गाइज जैसे ही तरीक अनस बिन मलिक पे तिबारा आया हूँ, वैसे ही मेरे फिर हंगर स्टेशन में ऑर्डर आ गया। देखिए ये ऑर्डर है करियन हैरी रेस्टोरेंट का, अपना इंडियन रेस्टोरेंट है और मुझे इसको लेके जाना है
लेबन में, जहाँ से मैं आया था फर्स्ट टाइम, इंतजार कर करके नहीं ऑर्डर आ रहा था ना, फिर मुझे वहीं जाना है भाई। हंगर स्टेशन नंबर है 334। पिकअप यहीं पे? ठीक है भाई, मैं यहीं पे कर लेता हूँ। पिकअप कर लिया है और ये देखें, और मुझे फिर वहीं से लेबन में जाना है। देखे गूगल मैप में मैं दिखा रहा हूँ, मुझे वहीं जाना है लेबन में। और ये रेस्टोरेंट अपने इंडिया का ही था लेबन के लिए, जहाँ से मैंने आया था। और तो रास्ते में यार इधर से जाने में बहुत ट्रैफिक रहता है लेबन में, 33 नंबर के तरफ साफ पूरा ट्रैफिक इतना ज़्यादा रहता है कि चींटी की तरह गाड़ी ससरता भाई वहाँ पे। अभी जाने में भी मुझे बहुत लंबा टाइम लगा। लाइट वाला लाइन में आया हूँ, गाड़ी पूरा स्लो हो गया, पूरा गाड़ी आराम आराम से चलने लगा भाई, जाम लगा हुआ है। ये देखे मैं बोल रहा था ना 33 नंबर, यार इधर इतना जाने में जाम रहता है, 33 नंबर 34 नंबर ये पूरा एरिया जो पूरा खतरनाक है भाई। कस्टमर का घर ये देखे भाई, मैंने ऑर्डर डिलीवर कर दिया लेबन में 33 नंबर में। और देखे हमारे आईडी खाली हो गया ये। तो भाई अभी हो गया शाम और मेरे पास ऑर्डर आ गया बर्गर किंग का। तो चलिए देखते हैं बर्गर किंग में मैं अपना ऑर्डर लेता हूँ। साइन मारना है बस, नंबर नहीं लिखना है बस। भाई ये देख यार, सीधा लेबन से जर्मन हॉस्पिटल के पास मलिक फहद रोड पे, यार इतना लंबा 32 किलोमीटर गाड़ी चला के आया मैं यहाँ। ये ऑर्डर लेके पैदल चलना पड़ रहा है। ये ऑर्डर लिया हूँ हाथ में और ये है जर्मन हॉस्पिटल। भाई जैसे ही दिया हूँ ऑर्डर वैसे ही फिर से मुझे ऑर्डर आ गया। और देख सकते ये जर्मन हॉस्पिटल के पीछे हूँ मैं, अगर स्टेशन में जस्ट जैसे ही ड्रॉप किया हूँ वैसे ही ऑर्डर आ गया। तो भाई रात के बज गए 10 और मैं आ गया हूँ यास्मीन में मैकडोनल्ड के पास। ये देखे मेरे पीछे मैकडोनल्ड है और बज गए हैं रात के ये देखे 10, और मेरा ये 10वां ऑर्डर है। देखता हूँ कि आज मैं कितने बजे तक काम कर पाता हूँ भाई। तो भाई बहुत दिन के बाद हैंगर स्टेशन वाले ने 2 ऑर्डर दिया है और अभी रात के बजने वाले हैं 12 और मैं कर लिया हूँ 13 ऑर्डर और ये 2:15 हो जाएगा आज का ऑर्डर। तो भाई आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग प्लीज़ शेयर कर देना यार दोस्तों के साथ में। ये देखो 12 बजने वाला है।